हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 क्यों तक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 आर से। तो आइए शुरू करते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243P से 243ZG तक अवधारित है, जो भारतीय संविधान के भाग 9A के अंतर्गत आता है। 243R के अनुसार नगर पालिकाओं की संरचनाओं का वर्णन है। खंड 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे। 243R के अनुसार नगर पालिकाओं की संरचना में दूसरा पॉइंट है, किसी राज्य की विधान मंडल विधि द्वारा नगर पालिका में नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का, लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य के विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। अनुच्छेद 243ध के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, परंतु पैरा त में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। किसी नगर पालिका का के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243S के अनुसार वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। पहला पॉइंट है, ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। दूसरा पॉइंट है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। चौथा है, जहां कोई वार्ड समिति का है एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य या दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहाँ नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्यों को द्वारा निर्वाचित किया जाएगा उस समिति का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के अंतर्गत पांचवां पॉइंट है, इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम 243S की आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।